नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है किशोर और आप लाइव हमारे चैनल पे यानी किशोर कुमार बैनर्जी पे। इस चैनल में हम न्यूज, ट्रैवल वीडियोस और ड्रामास रेगुलर बेसिस पे लाते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो बुक राइटिंग जॉब या फिर हैंड राइटिंग जॉब के बारे में है, जैसे आपने थंबनेल में देखा ही होगा। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले यही कहूंगा दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए मेरे चैनल के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो हाल ही में एक कंपनी आई है डिजिटल सोर्स इंडिया पावर नाम से, जो हैंड राइटिंग जॉब्स या फिर बुक राइटिंग जॉब्स प्रोवाइड करती है। ये हैंड राइटिंग जॉब्स या बुक राइटिंग जॉब्स क्या होता है पहले हम इसके बारे में जानते हैं। तो डिजिटल सोर्स इंडिया पावर ये कहती है कि वो जो है बुक राइटिंग जॉब्स प्रोवाइड करती है। इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि आप जब यहाँ इनके पैकेजेस के थ्रू जब आप वर्क को लेंगे, उनका वर्क जो है वो आप लेंगे, तो आपको जो है कुरियर के थ्रू काम वो प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद आपको वीकली या फिर मंथली बेसिस पे पेमेंट दिया जाएगा। तो सबसे पहले अभी जो है हम ये करेंगे कि डिजिटल सोर्स इंडिया पावर के कंपनी एंड पैकेजेस के बारे में पहले जानते हैं। तो डिजिटल सोर्स इंडिया पावर जो है वो न्यू दिल्ली में उनका जो है हेडक्वार्टर है, और पैकेजेस जो है वो तीन प्रकार के पैकेजेस उन्होंने बनाए हैं। पहला पैकेज जो है वो परफेक्ट फॉर न्यू मेंबर लिखते हैं, जहां पे इंग्लिश नॉवल बुक P5 उन्होंने नाम दिया है। सिक्योरिटी डिपॉजिट देने की जरूरत होती है यहाँ पे, तो यहाँ सिक्योरिटी डिपॉजिट 850 रुपए का है इस पैकेज में, जहां आपको 500 पेजेस एक बुक के फ्रंट का करना है और बैक पेजेस 100 पेजेस का करना है, मतलब 50 फ्रंट 100 बैक। टाइम ड्यूरेशन जो है वो 5 दिन का दिया हुआ रहता है और पे आउट जो है 4000 रुपए, 5 दिनों में 4000 रुपए देने की बात करते हैं ये लोग। सेकेंड जो पैक है वो है इंग्लिश नॉवल बुक P7, जो है सुटेबल फॉर हाउसवाइव्स एंड स्टूडेंट्स, तो पॉपुलर पैक है जैसे वो लिख रहे हैं, जहां सिक्योरिटी डिपॉजिट 1500 रुपए का देना पड़ता है, 80 पेजेस फ्रंट के करने पड़ते हैं और 160 बैक के करने पड़ते हैं। टाइम ड्यूरेशन जो है 7 दिन का दिया हुआ रहता है और पे आउट जो है वो 8000 रुपए वो बोल रहे हैं। तीसरा जो है इंग्लिश नॉवल बुक प्रीमियम जो है प्रोजेक्ट है, जो प्रीमियम है सबसे ज्यादा वाला, उसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट 2500 रुपए का है और 190 पेजेस फ्रंट के करने हैं, 380 बैक के, टाइम ड्यूरेशन 25 दिन का है और पे आउट जो है 26000 रुपए वो कहते हैं। तो अभी सबसे पहले जो है इनके वेबसाइट के बारे में जानते हैं। इनका वेबसाइट का जो नाम है वो handwritingwork.com है। तो पहले हम चलते हैं मेरे लैपटॉप में और आपको जो है पूरा जो है उनका वेबसाइट आपको दिखाते हैं। चलिए मेरे लैपटॉप में उनके वेबसाइट के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, अभी आप आ चुके हो मेरे लैपटॉप में और मैंने अपना लैपटॉप का स्क्रीन आपके साथ शेयर कर दिया है। तो डिजिटल सोर्स इंडिया पावर का जो वेबसाइट है वो है handwritingwork.com, जैसा आप देख पा रहे हो। handwritingwork.com का जो वेबसाइट है वो हम पहले खोलते हैं। तो ये रहा, यहाँ पे देखिए पहले लिख दिया है अर्निंग मनी फ्रॉम आर्ट, डिजिटल सोर्स ऑफ इंडिया स्पेशली फॉर वुमन्स, तो इस तरीके का कुछ लिख के रखे हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैं मुझे आपको दिखाना था कि प्लान्स क्या क्या है। पहले तो ये देखिए सारा मैं एक के बाद एक दिखा रहा। आर यू लुकिंग फॉर अ पार्ट टाइम जॉब, तो इस तरीके का बुक प्रोजेक्ट्स, वेरी गुड रेट्स, ये सारे चीज लिखे हुए। ये देखिए डाइवर्सिटी इज गुड, प्रोवाइड क्वालिटी कंटेंट, री एनर्जाइज योर कैरियर, एंजॉय सेफ पेमेंट्स, कुछ इस तरीके के लिखे हुए हैं। यहाँ देखिए फिर दिया हुआ है कि रजिस्टर्ड राइटर्स कितने हैं, बुक्स पब्लिश्ड 21,400, प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड 20 कंट्रीज डिस्ट्रीब्यूटेड, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। बुक आवर एक्सपर्टीज जो लिखा है, ये देखिए बुक डेवलपमेंट, बुक पब्लिकेशन, रीमेकिंग बुक, नॉवल राइटर, स्टोरीज मेकर, तो ऐसे टाइप के कुछ चीजें लिखे हुए हैं। व्हाट वी डू, व्हाट इज द यूज ऑफ हैंड रिटन शीट, वो हैंड रिटन पे करते हैं। हाउ डू वी गेट पेड, जो मैंने आपको बताया था, हु विल बियर पेपर राइटिंग कुरियर एक्सेट्रा, ये सारा लिखा हुआ है। हाउ टू अप्लाई, अब नीचे जाते हैं। उसके बाद आपको जो है ये देखिए तीन तरीके के पैकेजेस जो है मैं बात कर रहा था वही दिया हुआ है यहाँ पे। इंग्लिश नॉवल बुक P5 850 का जो मैंने बताया, फिर इंग्लिश नॉवल बुक P7 1500, सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश नॉवल बुक प्रीमियम प्रोजेक्ट 2500, इसी का बात कर रहा था। तो अभी आगे बढ़ते हैं। आवर हैप्पी क्लाइंट्स नीचे दिया हुआ है, आवर पब्लिकेशन, ये सारा चीज यहाँ दिया हुआ है। अब कॉन्टेक्ट अस में जो है हमें जाना है। यहाँ जो है कॉन्टेक्ट अस में आप देख पाते हो पोस्टल एड्रेस क्या दिया हुआ है, नवारा मेट्रो स्टेशन D15/216 नवारा मेट्रो स्टेशन उत्तम नगर न्यू दिल्ली 110062, ये दिया हुआ है। फोन नंबर्स भी दिए हुए हैं और साथ ही साथ जो है ईमेल info@handwritingwork.com दिया हुआ है। तो ये था इनका वेबसाइट जिसके बारे में हम बात कर रहे थे।
तो अभी अभी आपको थोड़ा बहुत उनके काम के बारे में, कैसे वो क्या करते हैं पहले, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं कैंडिडेट से किस तरीके से वो बात करते हैं या फिर इंडल्ज करते हैं कैंडिडेट को ये जॉब करने के लिए। तो सबसे पहले जो है वो आप इंटरनेट या फिर किसी, जब आप इंटरनेट के थ्रू या किसी तरीके से वर्क फ्रॉम होम ये काम आप देखते हो, तो वो आपके साथ व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करते हैं और सबसे पहले आपको जो है वेरियस तरीके से व्हाट्सएप पे मैसेजेस देते हैं, कि एविडेंसेस दिखाते हैं कि किस तरीके से पेमेंट जो है उन्होंने दिया है कैंडिडेट्स को, प्रीवियस पेमेंट्स या फिर काम जो है उसके बारे में भी दिखाते हैं, जैसे कि बुक्स जो है, क्या बुक्स है, नोबल्स, उसके पिक्चर्स वो सेंड करते हैं। साथ ही जो है कूरियर, कैसे कूरियर भेजा है वो, उनके फोटोज भी, स्क्रीनशॉट्स भी देते हैं। और साथ ही में जो है जो काम, जिस तरीके से काम करना पड़ता है, जो लिख के काम करना पड़ता है हैंडराइटिंग का, वो पेजेस में, वो पेजेस भी आपको दिखाते हैं, जैसे आप पिक्चर्स में यहाँ देख पा रहे थे। आपको भी अगर ऐसे पिक्चर्स ही मिले थे, जिन लोगों ने अभी तक ऐसे काम किए हैं, वो जरूर कमेंट करके बताएं क्या यही चीज हुआ आपके साथ, ऐसे पिक्चर्स ही आपको दिया गया था, जरूर बताएं हमें, ताकि जो है दूसरे जो नए कैंडिडेट्स वो देखे तो वो सतर्क रहे इस चीज के बारे में। तो अभी हम थोड़ा बहुत कंज्यूमर कंप्लेंट्स के बारे में जानेंगे, तो चलिए मेरे कंप्यूटर में और कंज्यूमर कंप्लेंट्स के बारे में जानते हैं, डिजिटल सोर्स इंडिया पावर इस कंपनी के कंज्यूमर कंप्लेंट्स के बारे में जानते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ कंज्यूमर कंप्लेंट्स देखेंगे। तो पहला कंज्यूमर कंप्लेंट टैब में खोल लेता हूं सारा, ताकि आपके लिए सुविधा हो देखने में। तो पहला जो है यहाँ पे कंज्यूमर कंप्लेंट हम देख पा रहे हैं, दिया है स्वातिलेखा गुप्ता, वो लिखते हैं कि दे आर सेइंग वी कैन गेट अ हाई पेमेंट बाय राइटिंग नोवेल 160 पेजेस इन अ डे, बट आफ्टर 7 डेज देयर इज नो रेस्पॉन्स। ठीक है ना, कोई रेस्पॉन्स नहीं है, तो यहाँ कोई रिस्पॉन्स नहीं है ये बताया जा रहा है। इसके नीचे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि द कंपनी हैज गिवन मी प्रोजेक्ट्स बाय टेकिंग सिक्योरिटी डिपॉजिट अगेंस्ट द प्रोजेक्ट। तो इन सबको अगर हम खोले तब हम पूरा जान पाएंगे क्या फ्रॉड हुआ है, थोड़ा बहुत जान लेते हैं, खोल के जल्दी आपको बता देता हूँ क्या क्या हुआ है। तीन कंप्लेंट्स यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। तो जो इनका था स्वातिलेखा गुप्ता, वो लिखते हैं कि 160 पेजेस का काम किया मगर रेस्पॉन्स नहीं आया कोई भी। और नीचे स्वातिलेखा गुप्ता ने फिर से लिखा, व्हाट शुड आई डू टू गेट माय मनी बैक। अब आगे बढ़ते हैं रिव्यू, और एक रिव्यू जो दिया हुआ था वो पूरा यहाँ पे है, साथ में देखिए फोटो भी दिया हुआ है, वो मैं दिखाऊंगा। तो कंपनी हैज गिवन प्रोजेक्ट्स बाय टेकिंग सिक्योरिटी डिपॉजिट्स अगेंस्ट द प्रोजेक्ट एंड आफ्टर कस्टमर कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट एंड सेंडिंग द पे, दे विल ब्लॉक देयर नंबर and did not give details about the project. I am taking project of 5 days. I paid 850 rupees and courier charges also. Courier charge भी आपको देना पड़ता है इसमें। तो I have complete the project but they did not give a single message and block me also. तो block कर देते हैं वो लोग, कुछ इस तरीके का। ये देखिए यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो कि सारा जो है details दिया हुआ है जो उन्होंने send किया था courier के through। तो ये सारा दिया हुआ है। तो ये तीसरा हम देख लेते हैं कंज्यूमर कंप्लेन। अब ये है, आई गॉट द पार्सल ऑन 1st मे एंड ऑन 8th मे आई सेंड द पार्सल बैक टू द कुरियर एड्रेस। ऑन 20th मे और 22nd मे आई अगेन सेंड इट टू कुरियर डिटेल। इट वाज रिसीव्ड ऑन 25th मे एंड टुडे इज 1st जून। सो फार द पेमेंट हैज बीन सेंड टू डिजिटल सोर्स इंडिया पावर। तो सारा पेमेंट वो करके रखे हैं यहाँ पे। ये देखिए सारा जो है, ये देखिए ऐसे करके दिया हुआ रहता है व्हाट्सएप में, वर्क फ्रॉम होम करके लिखा हुआ रहता है। तो कंप्लेन करने की बात भी ये कह रहे हैं, डिलीवर हो चुका है। ये देखिए पर कोई उधर उस साइड से जो है कोई रिप्लाई नहीं है। वेट आई विल रिवार्ड यू, ऐसे करके लिखा है, आपका वर्क पूरा कंप्लीट है वो लिख रहे हैं ये चीज। आगे देखते हैं, इसका प्रिंट आउट निकाल हुए पार्सल कर लेंगे, देना पड़ेगा कल मॉर्निंग को, पिकअप जाएगा, ऐसा कुछ लिखे हुए। ये देखिए डिलीवरी भी हो चुका है, उसके बाद लॉकडाउन की वजह से डिले हो रहा है, नहीं तो अब तक मिल जाता। पैसे की बात करें, 3-4 जो नॉन वर्किंग डेज की बात चल रही है। और उसके बाद ये देखिए 1500 रुपये, ये देखिए 1500 रुपये का जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट भी उन्होंने दिया, मगर उल्टे साइड से जो है कोई भी पेमेंट नहीं मिला। तो अभी तक हमने जो कंज्यूमर कंप्लेंट्स देखे हैं, इसमें हमने क्या देखा, यही कि सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है लेने के बाद वो कोई कांटेक्ट नहीं करते हैं कैंडिडेट के साथ। बहुत सारे केसेस हमने देखा जहां पे 850 का 1500 का भी प्लान लिया गया था। तो ये वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि जो लोग अभी तक जो है
ऐसे इस जॉब में फंस चुके हो वो जरूर कमेंट करके जरूर कमेंट करना इस वीडियो में, ताकि जो है नए कैंडिडेट जो लोग जॉब खोज रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम खोज रहे हैं, जिन्हें वर्क का बहुत जरूरत है, वो लोग सतर्क रहे। जरूर कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, यहाँ कमेंट करके बता सकते हो या फिर मेरे फेसबुक पेज में भी बता सकते हो। किशोर के यूट्यूब वीडियोस मेरा फेसबुक पेज है और प्रोफाइल नेम है किशोर बैनर्जी, जरूर आप कॉन्टेक्ट करके मुझे बता सकते हो। तो यही उद्देश्य था कि आप तक जो है सटीक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। तो मूल उद्देश्य यही था कि कैंडिडेट्स जो है नए कैंडिडेट्स वो सतर्क रहे, ऐसे हैंड राइटिंग जॉब्स या फिर बुक राइटिंग जॉब्स से बच के रहे। तो खत्म करने से पहले उन्हें सीरियस नोट ये कहूंगा कि जस्ट कुछ दिन ही बाकी है लॉकडाउन फुल्ली खत्म होने को, मगर इस समय पे जो है ज्यादा से ज्यादा लोग वर्क फ्रॉम होम का जो है फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहा है। तो हमें जो है हम सबको जो है अपना कान खुला और आंख खुला रखना है, ताकि जो है हम इन सब चीजों से बच के रहे। तो आज के लिए किशोर की तरफ से टाटा।